आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर आप सभी फार्मासिस्ट के लिए अच्छी न्यूज़ है, दो अच्छी न्यूज़ है जो आपको नए साल में मिलेगी। एक आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड है, 1500 फार्मासिस्ट की बहाली की जाएगी और उसकी भर्ती की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन 15 जनवरी तक निकाल दिया जाएगा। और दूसरा, एग्जिट एग्ज़ाम का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि 16 या 17 जनवरी तक PCI के वेबसाइट पर आ जाएगा, जिसमें यह साफ कर दिया जाएगा कि एग्जिट एग्ज़ाम किसको देना है, कितना बच्चे उसमें अपियर होंगे और किस बैच के विद्यार्थियों को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको जो है अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर मिल सके। और साथ ही साथ प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर पाएँ। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपको एक बेहतर फार्मासिस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी बिहार में 1500 फार्मासिस्ट की जाएगी, जिसकी घोषणा पहले की गई थी, तो 15 जनवरी तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 3 गुना यानी कि करीब 1500 फार्मासिस्ट को बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद वहाँ पर जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और उस आधार पर उनकी बहाली की जाएगी। तो आप सभी अपने सभी कागज़ और जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो इस फार्मासिस्ट की बहाली में आपको मदद करेंगे, उसको अच्छी तरह से रख ले, जैसे मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और आपने जो डिप्लोमा या डिग्री किया है फार्मासिस्ट यानी फार्मा में, वो अच्छे से आप निकाल के रख ले। आपके आपके जो एक्सपीरियंस है उनको निकाल के रख ले। और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। और रही बात एग्जिट एग्ज़ाम की, तो वो भी 16 या 17 तारीख को PCI के पोर्टल पर आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और आप जान जाएंगे कि किसको एग्जिट एग्ज़ाम देना है, किस बैच के विद्यार्थियों को देना है, 2022 पास आउट को देना है कि नहीं देना है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।